पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। चलिए थोड़ा सा पहले बात है, आप क्या मानते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है और डेवलपमेंट क्या है? कोई भी बोल रहा है, आप बोले, आप बोले। हाँ जी, वेरी गुड। जोर से बैठ उठने का तरीका, ठीक है, बोलने चालने का, चलने फिरने का तरीका। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप में एक ऐसी चीज है जो 1000 लोगों के बीच में भी आपको अलग से दिखाई। 1000 लोग खड़े हुए, आपके बॉडी लैंग्वेज से कोई पहचान जाएगा कि व्यक्ति कौन है। लेकिन उसी व्यक्ति ने अगर उसका ड्रेसिंग सेंस कमजोर हो गया, इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे, ड्रेसिंग सेंस का भी आएगा, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी आएगा, बिहेवियर का भी आएगा, इंटेलेक्चुअलिटी का भी आएगा, आपके किसी से बात करते टाइम में आपकी क्या अदाएं, कैसे मूवमेंट होनी चाहिए, ये भी आएगा। ये बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो जिसके लिए अभी आपको लगता है कि अभी आप सोच रहे हो मैं तैयार नहीं हूं, उसको भूल जाना। बड़े प्यार से मजे से बात करते हुए, डिस्कशन करते हुए आपको पहुंचे, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, किसी बच्चे को आपने कभी देखा होगा, वो बच्चा 500 लोगों के बीच में खड़ा होकर बात कर लेता है। अब कई आपने ऐसे देखा होगा कुर्सी से उठने का मन नहीं करता है, बहुत कुछ आता है मेरे को, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मां उठ के बोलूंगा कैसे, ऐसा आता ना। पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट, इज एन आर्ट, कला है, और कला हमेशा सीखी जा सकती है। क्या कला को सीखा जा सकता है? जिंदगी में अपनी डायरी में नोट करके रखना, कोई भी आर्ट सीखा जा सकता है और पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट। इसके बाद हम आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी पार्ट है इसका, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट ही है और ये दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको अब एक इशारा करता हूं और देखिए आप उस अचार से मुझे बताएंगे कि मैंने क्या बोला, ठीक है। मैं आपको सब क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मतलब कम्युनिकेशन हो गया। अभी मैं आपको देखो बोलूंगा, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन आपको पता लग गया, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके चेहरे पे पूरा सवाल लिखा होता है जो टीचर पढ़ा रही होती है, और आपको जवाब आता कि नहीं आता है यहां से पता लगता है, यहां से खड़े होकर पता लग सकता है कि कौन से बच्चों को जवाब आता है, नहीं कि आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका फेस, जब आपको कोई सवाल आता है आप भी मतलब क्या आता है, चलो कोई कोई प्रैक्टिकली होता है, कोई सवाल आपको आता है, टीचर ने यहां से क्वेश्चन पूछा और आपको आता है, आप क्या करते हो सर, आपके माइंड में क्या प्रॉब्लम आता है? मैं उनको बोलूं या टीचर मेरे से पूछे, ऐसा आता है, आता है ऐसा, मुझे कैसे पता? इसका मतलब ये कोई कला है, तभी तो बोल रहा हूं मैं कि आपको आता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें वैसी होगी कि जिससे आप उठने वाले हैं, पर मजबूरी है कि आप इंट्रोवर्टेंस से उठने के लोग क्या सोचेंगे यार, और आपको मौका गवा देते हैं। थोड़ी देर में आपके काश में बोल देते तो हीरो बन जाता है, काश में बोल देते, और आपके मन में आता है अगली बार आएगा ना, अगली बार मिलेगा मैम, मैं बोल दूंगा, लेकिन अगली बार फिर वही सिचुएशन आपके साथ आ जाती है और इसी सिचुएशन में आप पूरी पढ़ाई करके निकल जाते हैं। यस सर, नो और बाद में आपका हिसाब होता है, काश के मैं उठ के उस दिन बोल देता ना, एक बार बोल देता ना, तो भाई साहब आज मेरी जिंदगी ये भी हम इसमें करेंगे। आपको सवाल आता हो या नहीं आता हो, कहते हैं कॉन्फिडेंस से बोलो वो झूठ भी सबसे ज्यादा बड़ा होता है, आत्मविश्वास से बोली गई बात झूठ भी सच हो जाती है। मैं इसका भी आपको डेमो दूंगा कैसे होता है। एंड दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट विदाउट दिस दीज ऑल द थिंग्स आर कोई वैल्यू। आप जितना मर्जी अच्छी पर्सनैलिटी लेके चलो, आपको जितना मर्जी अच्छा बोलना आता हो,
आप जितने मर्जी अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप आदमी की शक्ल देख के पहचान लेते हो आदमी क्या सोच रहा है, बट अगर आपके पास वैल्यू ऑफ मॉरल वैल्यूज नहीं है तो आप जीरो। जिस दिन आपकी जिंदगी में इन तीनों चीजों के साथ ही जुट जाएगी, मैं आपको दावा करता हूं आप जिंदगी में अनपढ़ भी रहेंगे ना तो सबसे टॉप पे रहेंगे। जिस काम में हाथ डाल देंगे उस काम में आप हीरो बनके निकलेंगे। पर ये मॉरल वैल्यूज है क्या? इन मॉरल वैल्यूज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है? इन मॉरल वैल्यूज का बेनिफिट लेकर कैसे आप एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है और इस पे भी हम काम करेंगे, इसके लिए आपको साथ लेकर चलेंगे और हो सकता है कि हर हफ्ते आपको इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी करने के लिए।